ट्रेंगल ए बी सी इफ सी इक्वल टू 60 डिग्री, प्रूव डेट 1 अपॉन a प्लस c प्लस 1 अपॉन b प्लस c इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ओके, इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे, इफ 1 अपॉन a प्लस c प्लस 1 अपॉन b प्लस c इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b प्लस c, देन प्रूव डेट एंगल c इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब इसको लेकर के हम ये प्रूव करेंगे कि एंगल c क्या है, 60 डिग्री है। सो 1 अपॉन a प्लस c प्लस 1 अपॉन b प्लस c इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b प्लस c। टेकिंग LCM ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस इज a प्लस c इंटू b प्लस c, यहाँ b प्लस c आएगा, यहाँ पर a प्लस c आएगा, इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b प्लस c। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका इससे इंटू करेंगे, इसका इससे इंटू करेंगे, ये क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस 2c इंटू a प्लस b प्लस c इक्वल टू 3 a प्लस c इंटू b प्लस c होगा। ओके, a का a से इंटू करेंगे तो a स्क्वायर, इस a का b से इंटू करेंगे तो ab, इस a का c से इंटू करेंगे तो ac, b का a से इंटू करेंगे तो be, b का b से इंटू करेंगे तो b स्क्वायर, b का c से इंटू करेंगे तो bc, फिर 2c का a से इंटू करेंगे तो 2ac, 2c का b से इंटू करेंगे तो 2bc, 2c का c से इंटू करेंगे तो 2c स्क्वायर। अब देखिएगा, a का b से इंटू किया ab, a का c से इंटू किया ac, c का b से इंटू करेंगे तो cb, और c का c से इंटू करेंगे तो c स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड? नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, दिस इज ए बी, दिस इज ऑल्सो ए बी, सो दिस इज 2ab, ac एंड दिस इज 2ac, सो 3ac हो गया, फिर bc और 2bc, सो 3bc हो गया, इक्वल टू 3ab प्लस 3ac प्लस 3bc प्लस 3c स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इज, देखो 3ab, 3ac से 3ac कैंसिल हो जाएगा, ये 3bc से 3bc कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब हम 3c स्क्वायर को इस तरफ लाएं और 2ab को इस तरफ ले जाएं, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर इक्वल टू 3ab माइनस 2ab। ओके, सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ओके, अंडरस्टूड? नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू 1 होगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab इक्वल टू 1/2 होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos c, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab इज द फार्मूला ऑफ cos c, सो cos c इक्वल टू 1/2, cos c इक्वल टू cos 60, वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2, सो c इक्वल टू 60 डिग्री, हैंस प्रूव्ड, क्या हो गया, प्रूव हो गया। ओके, अंडरस्टूड? इन अ ट्रायंगल एबीसी द एंगल ए बी सी आर इन एपी, किसमें है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ओके, एंगल्स आर इन एपी, तो 2b इक्वल टू क्या होगा, a प्लस सी होगा, 2b इक्वल टू क्या होगा, a प्लस सी होगा, एंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। किसी ट्रायंगल के सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 एंड ए प्लस सी इक्वल टू 2b, सो दिस इज बी, और ए प्लस सी दिस इज 2b इक्वल टू 180, दिस इंप्लाय बी इक्वल टू 60 डिग्री। इससे हमें क्या पता चल गया, b की वैल्यू कितनी है, एंगल b इज 60 डिग्री। सो cos b बाई अप्लाइंग कोसाइन फार्मूला, cos b इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac एंड एंगल b 60 डिग्री,
सो दिस इज cos 60, वैल्यू दिस इज cos 60 एंड वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2, सो दिस इज 1/2 इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, 2 से 2 कैंसिल, ओके, सो ac इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ac, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ac. नाउ दिस वन, नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, दिस वन लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस ए प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस ac प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ac प्लस सी स्क्वायर इज रिटर्न एज बी स्क्वायर, सो दिस इज ए प्लस सी अपॉन रूट बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी, ए प्लस सी अपॉन बी. नाउ यूजिंग साइन फार्मूला, बाय यूजिंग साइन फार्मूला ए इज के साइन ए, बी सी इज के साइन सी एंड बी इज के साइन बी, साइन फार्मूले का यूज किया गया. सो दिस इज साइन ए प्लस साइन सी अपॉन साइन बी, साइन ए प्लस साइन सी अपॉन साइन बी, ओके. हियर अप्लाइंग साइन सी प्लस साइन डी, सो दिस इज टू साइन ए प्लस सी अपॉन टू कॉस ए माइनस सी अपॉन टू, ओके, अपॉन साइन बी, अपॉन साइन बी. अब साइन बी, एंगल बी 60 डिग्री, सो साइन 60, एंगल बी इज 60 डिग्री, सो साइन 60, दिस इज साइन 60, ओके, दिस इज साइन 60. हम इसको ऐसे ले लें, देखो इसको लें टू साइन, टू साइन बी बाई टू कॉस बी बाई टू, इस तरह से ले लें इसको, टू साइन बी बाई टू कॉस बी बाई टू, ओके. नाउ टू से टू कैंसिल, दिस इज साइन ए प्लस सी अपॉन टू, साइन ए प्लस सी अपॉन टू इज रिटर्न एज 90 माइनस बी बाई टू. कैसे रिटर्न होगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, टू से डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी बाई टू, बी प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री. सो ए प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू 90 माइनस बी बाई टू होगा, क्या होगा, ए प्लस सी अपॉन टू, ए प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू 90 माइनस बी बाई टू, सो दिस इज साइन 90 माइनस बी बाई टू. कॉस ए माइनस सी अपॉन टू अपॉन साइन बी बाई टू, साइन बी बाई टू, अब बी की जगह हम लिखेंगे 60 डिग्री अपॉन टू एंड दिस इज कॉस बी बाई टू, ओके. साइन 90 माइनस बी बाई टू इज कॉस बी बाई टू, सो दिस इज कॉस बी बाई टू कॉस ए माइनस सी अपॉन टू अपॉन साइन 30, साइन 30 इज 1/2, दिस इज कॉस बी बाई टू, कॉस बी बाई टू कैंसिल टू कॉस बी बाई टू एंड दिस बिकम टू कॉस ए माइनस सी अपॉन टू. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है. यहाँ पर हमने क्या लिया था, राइट हैंड साइड लिया था, क्या लिया था, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए बी सी आर इन ए पी, सो ए बी सी आर इन ए पी, सो बी इक्वल टू 60 डिग्री, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ए बी सी आर इन ए पी, सो बी इक्वल टू 60 डिग्री. नाउ बी अपॉन सी, बी अपॉन सी इक्वल टू रूट थ्री अपॉन रूट टू, बी इज रिटर्न एज के साइन बी, बाय साइन फार्मूला बी इज के साइन बी एंड सी इज के साइन सी, सी क्या होगा, के साइन सी इक्वल टू रूट थ्री अपॉन रूट टू,
के से के कैंसिल हो गया, बी की जगह हम क्या लिखेंगे 60 डिग्री लिखेंगे। सो दिस इज साइन 60 अपॉन साइन सी इक्वल टू रूट थ्री अपॉन रूट टू। वैल्यू ऑफ साइन 60 इज रूट थ्री अपॉन टू अपॉन साइन सी इक्वल टू रूट थ्री अपॉन रूट टू। ओके, सो साइन सी इज साइन सी इंटू रूट थ्री इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू इंटू रूट टू। ओके, सो रूट टू से टू कैंसिल होगा तो रूट टू आएगा। ओके, सो साइन सी इक्वल टू हो जाएगा रूट थ्री अपॉन रूट टू इंटू वन अपॉन रूट थ्री, कैंसिल हो गया। सो दिस इज साइन सी इक्वल टू वन अपॉन रूट टू। सो सी इक्वल टू 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू इज वन अपॉन रूट टू, साइन सी इज वन अपॉन रूट टू, सो सी इज 45 डिग्री। सी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। हम इसको चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं साइन सी इक्वल टू वन अपॉन रूट टू, दिस इंप्लाई सी इज 45 डिग्री। अब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, वैल्यू ऑफ बी इज 60, वैल्यू ऑफ सी इज 45 डिग्री, सो दिस इज 180। इससे क्या इंप्लाई होता है, दिस इंप्लाई वैल्यू ऑफ ए इज 75 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। वैल्यू ऑफ ये क्या होगी 75 डिग्री होगी, हैंस क्या हो गया प्रूव हो गया। ओके, 23 का थर्ड, इफ ए इक्वल टू 45 डिग्री बी इक्वल टू 75 डिग्री, प्रूव दैट ए प्लस सी रूट टू इक्वल टू टू बी। टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, ए 45 डिग्री बी 75 डिग्री, सो वी फाइंड आउट द थर्ड एंगल बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, सो सी इक्वल टू 60 डिग्री। सी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन देन वी फाइंड द थर्ड एंगल। नाउ लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस सी रूट टू, ए प्लस सी रूट टू, ए इज के साइन ए एंड सी इज के साइन सी। ओके, साइन ए 45, सो के साइन 45 डिग्री प्लस रूट टू के, सी इज 60 डिग्री सो साइन 60 डिग्री। साइन 45 इज वन अपॉन रूट टू, साइन 60 डिग्री इज रूट थ्री अपॉन टू, के इज टेकन टू कॉमन, सो दिस इज के वन अपॉन रूट टू प्लस रूट थ्री अपॉन रूट टू। ये रूट टू से टू कैंसिल होके क्या बचेगा रूट टू बचेगा। ओके, सो के वन के इंटू वन प्लस रूट थ्री अपॉन टू, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड्स टू बी इक्वल टू टू के साइन बी, सो दिस इज टू के साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री इज रिटर्न एज साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, सो साइन ए प्लस बी, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, सो टू के इक्वल टू, सो साइन 45 इज वन अपॉन रूट टू कॉस 30 डिग्री इज रूट थ्री बाई टू कॉस 45, वन अपॉन रूट टू साइन 30 वन बाई टू, टेकिंग एलसीएम टू रूट टू, सो दिस इज रूट थ्री प्लस वन, टू से टू कैंसिल हो गया, सो दिस इज के टू से टू कैंसिल कर दें हम, रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट टू। सो राइट हैंड साइड दिस राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द एंगल्स ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर इन रेशो 3:4, 5:4, प्रूव दैट ए प्लस सी रूट टू इक्वल टू टू बी। ओके, सो लेट ए इक्वल टू 3x, बी इक्वल टू 5x, सी इक्वल टू 4x, व्हाई, बिकॉज एंगल आर गिवन इन द रेशो 3:5:4, सो ए 3x, बी 5x, सी 4x। नाउ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, सो 3x प्लस 5x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री, 3x प्लस 5x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री, सो दिस इज
ट्वेल्व एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इक्वल टू 180 अपॉन 12, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन 12 हो जाएगा, इसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 आएगा, सो एक्स इक्वल टू 15 डिग्री हो गया। सो ए इक्वल टू 3 इंटू 15 इक्वल टू 45 डिग्री, बी इक्वल टू 4 इंटू 15 इक्वल टू 60 डिग्री एंड सी इक्वल टू बी इक्वल टू 5 इंटू 15, सो दिस इज 75 डिग्री एंड सी इक्वल टू 4 इंटू 15, सो दिस इज 60 डिग्री। क्या होगा ये 60 डिग्री होगा। अब ए 45 डिग्री है, बी 75 डिग्री है, सी 60 डिग्री है। इन दिस प्रॉब्लम ए इज 45 डिग्री, बी 75 डिग्री एंड सी इज 60 डिग्री। सो एंस प्रूव दैट ए प्लस सी रूट टू इक्वल टू 2b, सेम ए प्लस सी रूट टू इक्वल टू 2b। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड्स ए प्लस सी रूट टू, दिस वन ए प्लस सी रूट टू एंड सॉल्व इन दिस मैनर। ओके, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है 2b है इसका, इस तो 2b, सो बाई सॉल्विंग ऑन दिस मेथड दिस इज एंड दिस आर 23 का थर्ड एंड 24 आर द सेम क्वेश्चन, सो सेल सॉल्व एच 23 का थर्ड। ओके, इन अ ट्रायंगल ABC इफ cos A इक्वल टू 17 अपॉन 22, cos C इक्वल टू 1 अपॉन 14, प्रूव दैट द रेशो ऑफ साइड इज 7:9:11। ओके, आंसर cos A इज 17 अपॉन 22, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, तो साइन ए इज रूट 1 माइनस cos स्क्वायर ए, साइन ए इक्वल टू क्या होगा रूट 1 माइनस cos स्क्वायर ए होगा, तो साइन ए इक्वल टू रूट 1 माइनस 17 अपॉन 22 का होल स्क्वायर, साइन ए इक्वल टू रूट 1 माइनस 289 अपॉन 484, सो साइन ए इक्वल टू रूट 284, दिस इज 484, एलसीएम क्या आएगा 484 आएगा, सो दिस इज 484 माइनस 289, 484 माइनस 289। ओके, सो साइन ए इक्वल टू रूट 195 अपॉन 22। नाउ सिमिलरली अब कॉस साइन सी, साइन सी इक्वल टू होगा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, सो साइन सी इक्वल टू, सो दिस इज साइन सी रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, साइन सी इक्वल टू रूट 1 माइनस 1 अपॉन 14 का स्क्वायर, बिकॉज कॉस सी इज 1 अपॉन 14, सो साइन सी इक्वल टू रूट 195 अपॉन 14। ओके, नाउ साइन ए का वैल्यू आ गया साइन सी का, साइन बी, साइन बी इक्वल टू होगा साइन ए प्लस सी, साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस सी, सो दिस इज साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ओके, सो दिस इज साइन ए, साइन ए इज रूट 195 अपॉन 22, कॉस सी, कॉस सी इज 1 अपॉन 14 प्लस कॉस ए, कॉस ए 17 अपॉन 22, साइन सी, साइन सी इज रूट 195 अपॉन 14। ओके, हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 22 इंटू 14 आएगा, सो दिस इज रूट 195 प्लस 17 रूट 195, रूट 195 इज टेकन टू कॉमन, सो 1 प्लस 17 अपॉन
22 इंटू 14, सो दिस इज साइन बी इक्वल टू रूट 195 इंटू 18 अपॉन 22 इंटू 14, ओके। अब इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 9 आएगा, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 11 आएगा, तो साइन बी इक्वल टू हो जाएगा रूट 195 इंटू 9 अपॉन 11 इंटू 14। प्रूव दैट द रेशो ऑफ दियर साइड्स, ओके। नाउ बाय साइन फार्मूला ए इक्वल टू क्या होता है, के साइन ए, बी इक्वल टू के साइन बी, सी इक्वल टू के साइन सी, बाय यूजिंग द साइन फार्मूला। सो ए इज टू बी इज टू सी, ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। सो दिस इज साइन ए इज रूट 195 अपॉन 22 इज टू साइन बी रूट 195 इंटू 9 अपॉन 11 इंटू 14 इज टू साइन सी रूट 195 अपॉन 14, ओके। रूट 195 से सारे क्वेश्चन डिवाइड कर दें तो जो 1 अपॉन 22 इज टू 9 अपॉन 11 इंटू 14 इज टू 1 अपॉन 14, ओके, अंडरस्टूड। अब इसको सारे इक्वेशन को हम 22 से क्या कर दें, देखो 22 इंटू 14 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय 22 इंटू 14, 22 इंटू 14 से सारे इक्वेशन को हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। सो दिस इज 14 इज टू 9 इंटू 2 इज टू 22, 2 से डिवाइड करें सो 7 इज टू 9 इज टू 11, दिस इज अवर आंसर, ओके। सो 7 इज टू 9 इज टू 11 इज अवर आंसर। हमने क्या किया, सबसे पहले रूट 195 से डिवाइड किया तो 1 अपॉन 22 इज टू 9 अपॉन 11 इंटू 14 इज टू 1 अपॉन 14 आ गया। अब मल्टीप्लाइंग बाय 22 इंटू 14 से मल्टीप्लाई किया गया तो दिस इज 14, दिस इज 9 इंटू 2, दिस इज 22, फिर 2 से डिवाइड किया सो 7 इज टू 9 इज टू 11 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो 1 इज टू 2 इज टू 7, प्रूव दैट द रेशो ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड टू द लीस्ट साइड इज रूट 5 प्लस 1 इज टू रूट 5 माइनस 1, ओके। एंगल्स आर इन द रेशो, एंगल्स आर इन रेशो, एंगल किस रेशो में दिए हुए हैं, 1 इज टू 2 इज टू 7 रेशो में दिए हुए हैं, ओके। सो ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू 2x एंड सी इक्वल टू 7x, सपोज लेट एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो दिस इज एक्स प्लस 2x प्लस 7x इक्वल टू 180, दिस इज 10x इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स इक्वल टू 180 अपॉन 10 इक्वल टू 18 डिग्री, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 अपॉन 10 इंटू 18 डिग्री। सो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 18 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 2 इंटू 18 डिग्री इक्वल टू 36 डिग्री, एंगल सी इज 7 इंटू 18
126 डिग्री। ओके अंडरस्टूड। नाउ लीस्ट रेशो ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड टू द लीस्ट साइड। तो ग्रेटेस्ट एंगल अपोजिट ग्रेटेस्ट साइड एंड लीस्ट एंगल अपोजिट लीस्ट साइड। जो बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी और छोटे एंगल के सामने वाली साइड कैसी होगी, छोटी होगी। सो ग्रेटेस्ट साइड अपॉन लीस्ट साइड इक्वल टू साइन 126 डिग्री अपॉन साइन 18 डिग्री। ओके साइन 126 डिग्री, सो दिस इज साइन 180 माइनस 54 डिग्री अपॉन साइन 18 डिग्री। सो दिस इक्वल टू साइन 54 डिग्री। साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो साइन 54 डिग्री अपॉन साइन 18 डिग्री। ओके साइन वन, ओके सो साइन 54 डिग्री इज रिटर्न एज कॉस 36 डिग्री एंड दिस इज साइन 18 डिग्री। कॉस वैल्यू ऑफ कॉस 36 इज रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4 एंड वैल्यू ऑफ साइन 18 इज रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल, सो दिस इज रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1। सो रेशो ऑफ ग्रेटेस्ट साइड टू लीस्ट साइड इज, सो रिक्वायर्ड रेशो, रिक्वायर्ड रेशो दिस इज रूट 5 प्लस 1 इज टू रूट 5 माइनस 1। ओके अंडरस्टूड। इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो 4:5:6 प्रूव दैट वन एंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर। साइड इज गिवन इन द रेशो 4:5:6, सो लेट ए इक्वल टू 4x, बी इक्वल टू 5x, सी इक्वल टू 6x। कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। दिस इज द फार्मूला ऑफ कॉस ए। पुट दीज वैल्यू इन दिस फार्मूला, सो दिस इज 5x स्क्वायर 6 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2 × 5x × 6x। सो 25x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर अपॉन 60x स्क्वायर। सो कॉस ए इक्वल टू 45x स्क्वायर अपॉन 60x स्क्वायर इक्वल टू 3/4। ओके नाउ कॉस सी, फार्मूला ऑफ कॉस सी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। सो दिस इज वैल्यू ऑफ ए इज 4x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 6x का स्क्वायर अपॉन 2 × 4x × 5x। ओके सो दिस इज कॉस सी इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर अपॉन 40x स्क्वायर। सो कॉस सी की वैल्यू क्या आ गई, 1/8 आ गई। नाउ कॉस 2a, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 2a। कॉस 2a इज 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। कॉस 2a इज 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। सो दिस इज 2 कॉस ए 3/4 का स्क्वायर माइनस 1। सो दिस इज 2 × 9/16 माइनस 1। कॉस 2a इक्वल टू, दिस इज 2 से 16 कैंसिल होगा तो 9/8 माइनस 1। एलसीएम लेंगे 8, 9 - 8 इक्वल टू 1/8। कॉस 2a इज 1/8। कॉस 2a इज 1/8। 1/8 इज कॉस सी, सो दिस इज कॉस सी। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 2a इक्वल टू सी। हेंस इट इज प्रूव दैट वन एंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर। वन एंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर, सो सी इक्वल टू 2 × a। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके अंडरस्टूड। टू साइड्स
एंड इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली 3+√3, 3-√3 एंड 60 degree. ओके, सपोज ट्रायंगल इज ए बी सी, सो इंक्लूडेड साइड इज ए एंड बी, साइड इज ए एंड बी एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज 60 degree. सो ए इक्वल टू होगा 3+√3 एंड बी इक्वल टू होगा 3-√3 एंड एंगल सी इज 60 degree. ओके, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, टू साइड्स ए एंड बी हैं और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इज 60 degree आर रिस्पेक्टिवली 3+√3 एंड 3-√3 एंड 60. ओके, सो वी यूज नेपियर एनालॉजी, टेन ए माइनस बी अपॉन टू इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इन टू कॉट सी बाई टू. वी फाइंड द अदर टू एंगल्स ए एंड बी, तो हमें ए प्लस बी तो मिल जाएगा, ए माइनस बी हमें इससे मिलेगा. ओके, हमें ए और बी को फाइंड आउट करने के लिए हमें ए प्लस बी की जरूरत पड़ेगी, तो ए प्लस बी तो आ जाएगा. ए प्लस बी क्या होगा, 120 degree होगा. 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो ए प्लस बी इज 120 degree. और ए माइनस बी हमें इस फार्मूले से मिलेगा, दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमें ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी. ओके, नाउ सो टेन ए माइनस बी अपॉन टू इक्वल टू ए 3+√3 माइनस 3-√3 अपॉन 3+√3 प्लस 3-√3 cot 60/2. सो दिस इज टेन ए माइनस बी अपॉन टू 3+√3 -3, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2√3 आएगा. दिस इज 3+3 6 cot 60/2, सो cot 30. वैल्यू ऑफ cot 30 इज √3. cot 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3 होगी. सो टेन ए माइनस बी अपॉन टू √3 × √3 3 × 2 = 6, सो दिस इज 1. टेन ए माइनस बी अपॉन टू इक्वल टू 1, सो इससे क्या इंप्लाई होता है, ए माइनस बी अपॉन टू इक्वल टू 45 degree एंड ए माइनस बी इक्वल टू 90 degree. दिस इज इक्वेशन 1. ए माइनस बी इक्वल टू 90 degree एंड ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना होगा, ए प्लस बी होगा 180 माइनस 60. सो ए प्लस बी इज 120 degree. ए प्लस बी इज 120 degree. दिस इज इक्वेशन 2. अब दोनों को हम ऐड करेंगे, 1+2. सो बी से बी कैंसिल, 2a इक्वल टू 120+90. सो दिस इज 210 degree. सो एंगल ए इक्वल टू 105 degree. एंगल ए क्या आ जाएगा, 105 degree आ जाएगा. एंड एंगल बी, ओके, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2. सो एंगल बी इज 120 - 105 इक्वल टू 15 degree. एंगल बी कितना आ गया, 15 degree आ गया. नाउ वी फाइंड द थर्ड साइड. सो देखो इस फार्मूले का यूज करेंगे हम, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी. ओके, वी हैव टू फाइंड सी. सो देखो ए अपॉन साइन ए या बी अपॉन साइन बी ले लें हम. ओके, क्या ले लें, बी अपॉन साइन बी. बी इज 3-√3 साइन बी. एंगल बी कितना निकला अपना, एंगल बी इज 15 degree. सो दिस इज साइन 15 degree. सी साइन 60 degree. दिस इज साइन 60 degree. इस फार्मूले का हम यूज करके एंगल साइड सी को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब साइन 15 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगी. साइन 15 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पर फाइंड आउट किए लेते हैं. साइन 15 को हम लिख सकते हैं साइन 60-45, ऐसा हम उसे लिख सकते हैं. ओके, सो दिस इज साइन 60 इंटू कॉस 45
माइनस कॉस 60 इंटू साइन 45 डिग्री, दिस इज रूट 3/2 इंटू 1/√2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2 2√2 √3 माइनस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 15। ओके सो इसमें से √3 हम कॉमन लेंगे, सो दिस इज √3 माइनस 1, वैल्यू ऑफ साइन 15 √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 इक्वल टू सी, वैल्यू ऑफ साइन 60 दिस इज √3 अपॉन 2। ओके अंडरस्टूड, सो दिस इज ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज √3 इंटू 2√2 इंटू √3 अपॉन 2 इक्वल टू सी। ओके सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 इंटू √3 3, सो सी इज 3√2। ओके सो अवर आंसर, अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा एंगल ए इज 105 डिग्री, बी इज 15 डिग्री एंड साइड सी इज 3√2 यूनिट। ओके दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके अंडरस्टूड, इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ बी इक्वल टू 3c प्रूव दैट कॉस सी इक्वल टू √b प्लस सी अपॉन 4c, सेकेंड साइन a/2 इक्वल टू b माइनस c अपॉन 2c, हेयर एंगल b इक्वल टू एंगल 3c। सो नाउ कंसीडर b प्लस c अपॉन 4c, b प्लस c अपॉन 4c अकॉर्डिंग टू साइन फार्मूला b इक्वल टू k अप इंटू साइन b एंड c इक्वल टू k इंटू साइन c अपॉन 4 सी इज के साइन सी। ओके सो दिस इज के कॉमन ले लें, साइन बी प्लस साइन सी अपॉन 4 के साइन सी, के से के कैंसिल हो गया। ओके साइन बी प्लस साइन सी, यहां बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3c लिख सकते हैं, सो दिस इज साइन 3c, बी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 3c पुट कर दिया, साइन 3c प्लस साइन सी अपॉन 4 साइन सी हो गया, कितना हो गया 4 साइन सी हो गया। अब इसमें हम साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे, सो दिस इज 2 साइन 3c प्लस सी अपॉन 2 कॉस 3c माइनस सी अपॉन 2 होल अपॉन 4 साइन सी। ओके सो दिस इज ए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, सो दिस इज साइन 4c अपॉन 2 सो 2c इनटू दिस इज कॉस सी 3c माइनस सी 2c अपॉन 2c अपॉन 2 साइन सी, दिस इज साइन 2c इज रिटर्न एज 2 साइन सी कॉस सी इनटू कॉस सी अपॉन 2 साइन सी, 2 साइन सी से 2 साइन सी कैंसिल हो गया, बी प्लस सी अपॉन 4c इक्वल टू क्या आ गया, कॉस स्क्वायर सी आ गया, सो रूट बी प्लस सी अपॉन 4c इक्वल टू कॉस सी, हैंस प्रूव हो गया ये पहला वाला। अब नाउ सेकंड बी माइनस सी अपॉन 2c, सेकंड का क्या लिया, राइट हैंड साइड लिया हमने, अब b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, k साइन b एंड इन प्लेस ऑफ c k साइन c बाई साइन फार्मूला दिस इज 2 k साइन c, सो दिस इज साइन b माइनस साइन c अपॉन 2 साइन c इन प्लेस ऑफ b पुट 3c, सो दिस इज साइन 3c माइनस साइन सी अपॉन 2 साइन सी। नाउ वी अप्लाइड साइन सी माइनस साइन डी, देखो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ये क्या होता है उसका फार्मूला होता है, सो बी माइनस सी अपॉन 2 सी इक्वल टू 2 कॉस
थ्री सी प्लस सी अपॉन टू साइन थ्री सी माइनस सी अपॉन टू साइन सी बी माइनस सी अपॉन टू सी इक्वल टू दिस इज टू। अब थ्री सी प्लस सी अपॉन टू क्या हो जाएगा, टू सी हो जाएगा। दिस इज साइन सी अपॉन टू साइन सी, ओके। टू से टू कैंसिल हो गया, साइन सी से साइन सी कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, कॉस सी बचा। बी माइनस सी अपॉन टू सी इक्वल टू क्या बचा, कॉस टू सी बचा। कितना बचा, कॉस टू सी बचा। नाउ अब देखें, नाउ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। इन प्लेस ऑफ बी, बी पुट 3c, सो दिस इज ए प्लस 3c प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। दिस इज 4c इक्वल टू 180 माइनस ए, 4c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए हो जाएगा। एंड 2c इक्वल टू, 2c इक्वल टू हो जाएगा, 2c से डिवाइड कर देंगे तो 90 माइनस ए बाई टू। अब देखो दोनों तरफ हम कॉस लगा दें तो कॉस 2c इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए बाई टू। कॉस 90 माइनस ए बाई टू क्या होता है, साइन ए बाई टू होता है। मतलब हम कॉस 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई टू लिख सकते हैं। तो अपना क्या हो गया, प्रूफ हो गया, इसको हमेशा लिख सकते हैं। देखो b माइनस सी अपॉन टू सी इक्वल टू कॉस टू सी की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई टू। सो दिस इज साइन ए बाई टू, हैंस प्रूफ हो गया। क्या हो गया ये अपना, साइन ए बाई टू, यही तो प्रूफ करना था हमें, साइन ए बाई टू इक्वल टू b माइनस सी अपॉन टू सी। सो साइन ए बाई टू इक्वल टू b माइनस सी अपॉन टू सी, हैंस प्रूफ, ओके, अंडरस्टूड। आया समझ में कि नहीं आया, ओके।